कुछ नए मिजाज का है ये मौसम। एक बार फिर मचलेगा मौसम का मन, चलेगी शीतलहर, गिरेगा पारा। जी हाँ, यूपी का मौसम इस बार कुछ नए मिजाज का दिखाई दे रहा है। जनवरी के पहले हफ्ते में खूब ठंड, खूब तगड़ी गर्मी पड़ी। मौसम विज्ञानियों ने इस सीजन में जो भारी ठंड का ऐलान किया था वह धरा का धरा रह गया। इस अजीबोगरीब मौसम से जनता के साथ मौसम विज्ञानी भी हैरान है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि 10 जनवरी से समूचे उत्तर प्रदेश में पूरे हफ्ते के लिए मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बर्फीली हवाएं पहाड़ों से होकर आएंगी, जिससे न्यूनतम तापमान में फिर से भारी गिरावट होगी। हवाएं तेज चलेंगी जो ठंड को बढ़ा देंगी। शीत लहर का यह प्रकोप सूबे के तराई क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। यह इस सर्दी के मौसम की आखिरी शीत लहर होगी। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घने कोहरे छाने का आसार है। मौसम की भविष्यवाणी करने वाली निजी संस्था ने यूपी के मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा, 11 जनवरी से पश्चिम यूपी तथा 12 जनवरी से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बर्फीली हवाएं पहाड़ों से होकर आएंगी, जिससे राज्य में न्यूनतम तापमान में फिर से भारी गिरावट आएगी। निजी संस्था ने आगे कहा कि पश्चिम यूपी में अब मौसम साफ हो गया है, बारिश करीब करीब बंद हो गई है। उत्तर पश्चिमी दिशा से शुष्क और ठंडी हवाएं अब यूपी के पश्चिमी हिस्से में पहुंचने लगी हैं, जिससे न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आएगी। धीरे धीरे ये ठंडी हवाएं पूरे उत्तर प्रदेश पर अपना असर दिखाएंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहरों में दिन और रात के तापमान में सामान्य के आसपास आ जाएगा। शुष्क और साफ मौसम के साथ उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का यह परिदृश्य कम से कम आगामी एक सप्ताह तक उत्तर प्रदेश में बने रहने की संभावना है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशक जेपी गुप्ता ने बताया कि रविवार सुबह से तेज गति से ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। ऐसे में पारे में भारी गिरावट आएगी। पहाड़ों से आ रही हवाएं प्रदेश में गलन बढ़ाएंगी। ठंडी हवाएं करेंगी परेशान। लखनऊ शहर का मौसम बदलने लगा है। सुबह सुबह ठंडी हवाओं का झोंका चला है। ऐसे में अब आगे पारे में गिरावट आएगी। यूपी के अन्य जनपदों में भी ठंडी हवाएं जनता को परेशान करेंगी और फिर से स्वेटर लोग पहनना शुरू कर देंगे।